तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई ब्लॉग आने में बहुत देरी हो गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा काम चलता रहता है, इस वजह से मैं ज्यादा परेशान रहता हूँ ब्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए। बट बाकी मुझे यार आपकी भी चिंता रहती है कि यार मेरे को आपको भी कुछ ना कुछ देना जरूरी है, ठीक है। बट बाकी मैं छोट वीडियो डाल रहा था, आपको कैसी लगी मुझे बताएं, और आप क्या देखना पसंद करते हैं मुझे ये भी बताएं। चैलेंजिंग वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, या फैमिली व्लॉग देखना चाहते हैं, या फिर बाहर का व्लॉग देखना चाहते हैं, तो मैं जल्दी भाई अपना मोटो व्लॉग भी शुरू करने वाला हूँ। एक नया चैनल बनाऊंगा मोटो व्लॉगिंग का, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए, थोड़ी बहुत अगर नॉलेज चाहिए जितनी मुझे है, तो आप भी के लिए भी वो भी काम करना मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। डेली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी हमारे पास में। तो भाई फिलहाल हम करते हैं अपने आज के व्लॉग का प्रारंभ। तो वेलकम गाइज, ये व्लॉग भाई साहब 66 है, और आप देख सकते हो जैसे कि गंदगी हुई पड़ी है, अभी तक मैंने कोई सफाई उपाई नहीं करी है। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल बाल कटाने के लिए, क्योंकि यार बहुत बड़े वैसे हो रहे हैं ये, आपको भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे। और आज कराएंगे हम शेविंग भी, और चलते हैं और बाकी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ बैठी हुई है मम्मी, देखो बेचारी मेरे आराम से बैठी हुई है देख लो रोटी बना रही है, देख लो, ठीक है। हेलो करो भाई फटाफट से, ठीक है। और भाई कमाई दमाई नहीं हो रही है भाई, ऐसा ना करो, ठीक है। रोटी बना रही, रोटी खा लो, रोटी खा लो, वो बैठे पापा जी वहाँ पे, ठीक। हेलो और दोस्तों, ठीक हो, खुश रहो, फूलो फलो, मंगल में रहे। और जी जैसे कि आपने मेरा अभी पिछला एक वीडियो देखा होगा, टेक चैंपियन सपोर्ट गुरु जी को हमने दिया था मैसेज वगैरह, तो उन्होंने रिप्लाई कुछ नहीं दिया था, तो मैंने वीडियो बताई थी उसमें। तो भाई मैंने कोई कमेंट उसमें गलत तो कहा नहीं है, ना ही मैंने कोई अपशब्द बोला है उसमें, बस मैंने ये बोला है कि वो दावा करते हैं कि मैं भाई लोगों की और छोटे यूट्यूबर की हेल्प करता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा भाई। हमारी तो हेल्प नहीं हुई उसमें, और मेरे जैसे और भी भाई हैं उनकी भी हेल्प नहीं हुई है, मैंने देखा है जाकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई देख सकते हो उसके बदले में मुझे क्या जवाब मिला है, और तो आप भी देखो और मुझे बताओ क्या ये जवाब सही है। एक गुरु होने के नाते, और वो खुद ही कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर गुरु हूँ, मेरा एक दर्जा है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब उनको रिस्पेक्ट दी तो उन्होंने देखो क्या जवाब दिया है मेरे को, बोला उन्होंने भाई मैं तो फेमस लोगों के ही पास जाता हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा यार क्यों बोला उन्होंने, ठीक है, इस चीज़ का मेरे को जवाब चाहिए उनसे। और आप भी अगर देख रहे हैं टेक चैंपियन सपोर्ट गुरु जी, तो मेरे को इस चीज़ का जवाब दें, क्या हम कोई कॉन्टेंट नहीं डालते, क्या हमारी कोई वीडियो खराब है, ये आप खुद ही बताएं, ठीक है। और हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं क्यों, क्योंकि यार मेरे को आपने ही इस पे आने के लिए मोटिवेट किया है यूट्यूब के ऊपर, और अब आप ही बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता आपकी सपोर्ट, तो ये तो गलत बात है। आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी मैं जब तक वीडियो बनाता रहूँगा, और आप भी देखते ही रहना, ठीक है। तो भाई गाइस हम चलते हैं भाई, बाल बाल कटवाने चलता हूँ मैं, फिर उसके बाद आके आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। अभी एक जगह और जाएंगे हम, चिरोड़ वगैरह वहाँ जाएंगे दवाई लेने के लिए। पापा के देखो पहले हाथ दिखाओ अपने, उस दिन हाथ दिखाए थे आपको, देखा कितने बेकार हो रहे थे, अब दवाई हो रही है तो बढ़िया हो गए हैं हाथ। अब फिर अभी दवाई का पूरा कोर्स चलेगा, तो वहाँ दवाई लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ का वातावरण दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ चिरोड़ी गाँव कैसा है। अभी नहीं जा रहे, हाँ तो भाई पापा ही जा रहे हैं अकेले, ठीक है, तो किसी और दिन चलेंगे जब दिखा देंगे। तो भाई मैं चलता हूँ और फटाफट से अपने बाल वगैरह कटवाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई अब हम अपना काम करवा ले, उसके बाद आपसे सीधा डायरेक्ट घर पे मिलूंगा मैं, ठीक है ना। और देख सकते हैं भाई, अपना हो गया है काम, देख सकते हो भाई टाइम लैप्स आपने देखी होगी तो बड़ा मजा आया टाइम लैप्स बनाने में। और ये भाई खड़े हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे शॉप भी देख सकते हो, और ये शॉप भाई राम विहार के अंदर है, जैसा कि आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में जो हमने रोड दिखाया था, ये उसी रोड पर है राम विहार में। जो भी लोन का बंदा यहाँ पर आ सकता है, बराबर में इनका एक ब्यूटी पार्लर भी है लेडीज। तो भाई अपन तो आ चुके हैं, और देख सकते हो यार यहाँ पर बाल बाल कट चुके हैं, और भाई शेविंग भी हो चुकी है, और अब जो है नहाते हैं धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नहाने धोने के बाद में।
चलो यार। तो भाई यहाँ हो चुके हैं नहा धोकर एकदम रेडी, ठीक है, और अपने चलेंगे अब ड्यूटी पर, ठीक है। और भाई खाना वाना खा लेते हैं, यहाँ खड़े हुए हैं पापा, ये रे देख लो दवाई वगैरह लेके आ गए, और ये तो भाई तैयार है देख लो, ठीक है, अपना खाना वाना पैक करके, ठीक है, काम करेंगे तो रोटी मिलेगी ना तो नहीं मिलेगी, देख लो यार क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पर भाई खड़ी हुई है अपनी बाइक, तो चल देंगे। और भाई रील वगैरह देखनी हो तो आपको देख लेना, क्योंकि अभी इसको कंटिन्यू करने के बाद मैं बनाऊंगा रील, दो तीन बाइक की रील बनाऊंगा, तो जाके इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो फटाफट, अगर नहीं करा है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की लिंक। तो भाई अभी खाता हूँ खाना और फिर चलते हम ड्यूटी पे फटाफट। तो भाई हम जा रहे हैं काम पर, और दिखाते हैं आपको क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रास्ता है पीछे का देख लो, ये लोनी के फ्लाई ओवर पे हैं हम। और भाई आप ऐसा रिक्शे मत करना, तो चलते हैं और अब मिलते हैं आपसे सीधे वहीं पे ही। हाँ तो भाई मैं आ चुका हूँ काम पर, ठीक है ना, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने दिन में किस चीज़ में बिजी था, क्या काम कर रहा था। तो आप भी देखना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, तो आप भी देखो और बताना मेरे को कैसी लगी, ठीक है। चलो मैं बैक कैमरा कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप, ये भाई अलमीरा बनी हुई है, तो ये बनाइए भाई, देख लो दरवाजे वगैरह लग रहे हैं इसमें, नीचे ड्रॉ लग रही है इसमें, बहुत सारी ड्रॉ लग रही है, जैसे खोल के दिखा सकते हैं आपको, देखो सारे में ड्रो लग रही है, ठीक है। और यहाँ भी दिखा देते हैं खोल के, ये देख लो ये सब ड्रो लग रही है, वो वाला खोलो, देख लो भाई यहाँ भी ड्रो लग रही है, एक ड्रो ये लग रही है नीचे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह रह गई है इसमें करने के लिए, बाकी वो भी हो जाएगी। जैसे देख सकते हो नीचे भी ड्रो वगैरह लग रही है, दिखाओ खोल के नीचे की ड्रो, तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। और भाई एक वो ड्रो देख सकते हो तुम, ये वाली देखो, ये डबल ड्रो है, ये ड्रो कैसी लगी तुम्हें बताना जरूर, ठीक है। एक ही ड्रो में है दो ड्रो, ये देखो। तो ये अलमारी का कुछ ऐसा लुक निकल कर आता है, देख लो। और भाई आप में से अगर किसी को भी ये अलमारी वगैरह ऐसी बनवानी हो अपने घर के अंदर, तो भाई बेझिझक फ़ोन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ये देख सकते हो ऊपर भी, ये देख सकते हो सारे पल्ले खुल रहे हैं इसके, टोटल पल्ले खुलेंगे, देख लो, ये देख लो यार सारे जैसा है, कब्जे वगैरह लगे हुए हैं इसमें, हाइड्रोलिक हिंग्स लगे हुए हैं इसके अंदर, जो सॉफ्ट क्लोज पे बंद होते हैं, इसको आप बंद करोगे ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, अपनी जगह पे चले जाएंगे खुद ही, बंद हो गया वो, देख लो। तो भाई आप में से भी अगर किसी को ये अलमारी बनवानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मुझे मैसेज करें, कोई भी ज़रूरत हो बता सकते हैं, कैसा भी काम हो आपको वही मुझे बता सकते हैं, और आपका काम हो जाएगा, चाहे आपका घर कहीं भी हो मैं वहाँ पर आकर ये बना दूंगा, बस होना इंडिया के अंदर चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर शीशा लगेगा, शीशे के लिए जगह छोड़ी गई है, ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो आप ड्रेसिंग टेबल है ये, यहाँ पर या सामान वगैरह रखा जाएगा, अभी इसकी टक्कर पे टेप लगा देंगे तो और मस्त हो जाएगी ये, तो देख लो। तो यार कैसी लगी आपको बताना बिल्कुल भी ना भूलना, और आपको भी अगर ऐसी बनवानी हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम ये अलमारी आपके वहाँ भी बना सकते हैं, बट बाकी जो भी होगा आप मेरे से रेट वगैरह तय कर सकते हैं, तो आपका भाई बहुत कम रेट में बना देगा आपके घर में, क्योंकि आपके भाई को सिर्फ मेहनत मजदूरी से मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं, आपके पैसे जितने हो सकेंगे उतने बचाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। तो भाई अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलना, और भाई ऐसी मेहनत चलती रहेगी, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कैमरा मंगाने की, तो आपको मोटो ब्लॉग भी जल्दी देखने के लिए मिलेगा हमारा। और भाई कुछ रैप सॉन्ग भी आने वाले हैं, पर म्यूजिक नहीं होगा उसमें, बट खाली रैप सॉन्ग होंगे, तो वो भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे, उसके लिए भी हमने एक माइक मंगाया है स्पेशल, और उस चीज़ों की भी अनबॉक्सिंग हम आपको आगे अपनी आने वाली वीडियो में दिखा देंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, बाय बाय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।